कहते हैं भगवान पर आस्था कम नहीं होती, ऐसा ही नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको शेखपुरा के घाटकोसुंभा का अलापुर में बाबा हजरत का मजार है, जहां बड़ी संख्या में फरियादी आज भी आ रहे हैं। फरियादी की अगर माने तो यहां सभी मुरादें पूरी होती हैं। 50 वर्षों से बाबा हजरत का मजार अलापुर में है और बड़ी संख्या में इबादत करने लोग यहाँ पहुँचते हैं। इसी दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली भी अलापुर पहुंचे और बाबा हजरत के मजार पर फातिया पढ़ा। गौरतलब हो कि मजार के चारों ओर पानी ही पानी है, आवागमन का एकमात्र साधन नाव है। इस दौरान दादा हुजूर बाबा हजरत के दरबार की देखरेख करने वाले मौलाना समीम खान ने कहा है कि किसी को दुख तकलीफ या भी बड़ी समस्या होने पर लोग यहाँ फरियाद करने आते हैं। इस मजार में औरतों का प्रवेश पूर्ण स्वरूप वर्जित है, लेकिन उनकी देखरेख की भी अलग व्यवस्था है। इतनी बाढ़ जैसी भीषण समस्या में भी लोग इस दरबार में आते हैं, यह आस्था ही है जो लोग यहाँ इस समस्या में भी उपस्थित हो रहे हैं और अपनी फरियाद लगा रहे हैं। बताते चले कि लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के नाना हुजूर का यह मजार है, जिनकी मृत्यु लगभग 50 वर्ष पहले हो चुकी थी और यह अपने दैविक शक्तियों के लिए अपने जीते जी प्रचलित थे। मृत्यु उपरांत भी इनकी श्रद्धापूर्वक पूजा लोग इसलिए करते हैं, अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। शेखपुरा से स्वदेशवाणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। यहाँ है दादा हुजूर, यहाँ दिल सफा करके आया, सब सफा है। शैतानी हरकत, कोई ऐसा परेशानी है, दुख तकलीफ है, इसी के बारे में। मतलब ये तो काफी पुराने यहाँ पे प्रचलित हुए हैं। 55 बरस इनका परदेखिए हो गया, मतलब जो भी यहाँ मुरादी पूरी होती है। हाँ सब। आप यहाँ का देख रेख करते हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद समीम। इमाम गजाली आज यहाँ पे आए थे जी, तो इनका क्या रिश्तेदारी रहा है यहाँ से शुरू से? जी इनका तो पर्सनल रिलेशन है। अच्छा, क्या इनका पूरा रिलेशन पुराना है? तो इनके परिवार से हैं यहाँ के लोग जी। अच्छा, क्या नाम बताया तुमने इनका? आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद समीम खान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।